सीतापुर जो कि भारतीय जनता पार्टी का गढ़ था। भारतीय जनता पार्टी के एक प्रदेश अध्यक्ष यहाँ से लगातार 6 बार विधायक चुने गए, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे और ये सीतापुर विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के गढ़ मानी जाती थी कुछ समय पहले तक। उस सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो कुल मिलाकर के जो 5 विधानसभा सीटें थी उसमें 4 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त उठानी पड़ी है, जबकि एक जगह पर सेवता विधानसभा सीट में केवल वो 14,000 वोटों के अंतर से जीत हासिल करने में कामयाब रही। तीसरी बात यह कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता टूटा हुआ था, बिखरा हुआ था। उसने अपने आप को उपेक्षित इसलिए महसूस किया कि उसकी हैसियत थाने और चौकी में कोई जायज काम की सिफारिश करने की भी नहीं रही। नाजायज की तो बात आप छोड़ दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक थे या जो ब्लॉक प्रमुख या इस तरीके के जो जनप्रतिनिधि थे, इनकी हैसियत एकदम ना के बराबर रही। सीतापुर लोकसभा सीट पर एक बड़े राजनीतिक उलटफेर के बाद कांग्रेस पार्टी का सांसद बनना लोगों के लिए एक अलग किस्म की चर्चा का विषय बना हुआ है। यहाँ पर लोग इस बात को लेकर मंथन कर रहे हैं कि सारी सत्ताई ताकत होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी आखिर कहाँ पर फेल हो गई, भारतीय जनता पार्टी के सारे समीकरण कहाँ पर ध्वस्त हो गए, जिसके चलते कांग्रेस पार्टी अपने 35 साल के सूखे को समाप्त करने में सफल हुई। हमारे साथ हैं जिले के एक वरिष्ठ पत्रकार। मंथन का दौर जारी है तो हमने एक एक्सपर्ट से बात करना चाहिए। क्या है नीरज श्रीवास्तव जी, क्या आप महसूस करते हैं कि ये जो रिजल्ट रहे हैं इसको लेकर आपका मत क्या है और इसके लिए किसको और क्या जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, ये चुनाव परिणाम कुछ लोगों के लिए प्रत्याशित हो सकते हैं तो कुछ लोगों के लिए अप्रत्याशित भी, लेकिन जैसा कि इस सीट पर अगर देखने को मिला है तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सबक है और कांग्रेस के लिए चुनौतीपूर्ण भी। 3.5 दशक पहले 1989 पे राजेंद्र कुमारी वाजपेयी ने यहाँ पर हैट्रिक लगाई थी और उसके बाद 91 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने उनसे ये सीट जीती थी। तब से कांग्रेस पार्टी कभी इस सीट पर जीत नहीं हासिल कर पाई। गठबंधन की राजनीति का इस सीट पर उसको पहली बार फायदा मिला है। सपा कांग्रेस गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर राकेश राठौर ने यह चुनाव लड़ा और उन्हें वो जीत हासिल हुई है जो कि कई मायनों में ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक इस मायने में भी है कि 90 हज़ार के लगभग उन्होंने मार्जिन पा करके ये सीट जीती है और 5 लाख से अधिक उनको वोट हासिल हुए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी कहाँ कहाँ चूकी है इसका आत्मंथन तो वो लोग स्वयं कर रहे हैं, लेकिन मैं अगर इस मामले में देखूँ तो सीतापुर की 5 विधानसभाएँ इस लोकसभा सीट के अंतर्गत आती हैं। महमूदाबाद भारतीय जनता पार्टी पराजित हुई, सेवता विधानसभा भारतीय जनता पार्टी जीती है लगभग 14,000 वोटों के मतों से और अकेली ये विधानसभा है जहां पर भारतीय जनता पार्टी अपनी नाक बचाने में सफल रही है। लहरपुर जो मौजूदा जो निवर्तमान सांसद अब हो गए इनका क्षेत्र है और उनके दाहिने हाथ कहे जाने वाले सुनील वर्मा जी वहाँ पर उनका कामकाज देख रहे थे, उस क्षेत्र में भी भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह पराजित हुई। बिसुआ भी सबसे ज़्यादा मतों के अंतर से लगभग 40,000 मतों के अंतर से वहाँ से भी उसको शिकस्त हुई है और सीतापुर जो कि भारतीय जनता पार्टी का गढ़ था, भारतीय जनता पार्टी के एक प्रदेश अध्यक्ष यहाँ से लगातार 6 बार विधायक चुने गए, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे और ये सीतापुर विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के गढ़ मानी जाती थी कुछ समय पहले तक। उस सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो कुल मिलाकर के जो 5 विधानसभा सीटें थी उसमें 4 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त उठानी पड़ी है, जबकि एक जगह पर सेवता विधानसभा सीट में केवल वो 14,000 वोटों के अंतर से जीत हासिल करने में कामयाब रही। तो ये सारी चीज़ें ऐसी थीं कि जो भारतीय जनता पार्टी को पराजय के लिए ये साबित कर रही हैं कि कहीं न कहीं से भारतीय जनता पार्टी का जो वोट बैंक था वो खिसका है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उपेक्षा महसूस करने के कारण सत्ता में रहने के बावजूद उपेक्षा महसूस की और उसके कारण वो इस चुनाव में प्राणपण से नहीं जुट पड़े। वो जुटे तो केवल दिखावे के तौर पर। तो एक तो ये भी कारण रहा। इसका एक और कारण है मेरी अपनी राय में कि समाजवादी पार्टी जो एक इस चुनाव में नारा दिया पीडीए का,
यहाँ पर कैंडिडेट के तौर पे कांग्रेस के ही कैंडिडेट भले हों, लेकिन गठबंधन के तौर पे भी वो समाजवादी पार्टी के भी कैंडिडेट थे, राकेश राठौर। तो पीडीए पिछला दलित अल्पसंख्यक, ये नारा पूरी तरीके से इस पे राकेश राठौर ने काम किया और इसी के आधार पर उनको इतनी बड़ी कामयाबी हासिल हुई। ये जीत क्या आप इकलौता राकेश राठौर की जीत मानते हैं या इसमें आप भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, सरकार, उनकी नीतियाँ, उनके विरोध को भी इसमें शामिल देखते हैं? देखिए, ये केवल राकेश राठौर की जीत नहीं है। राकेश राठौर को लोगों ने इसलिए पसंद किया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भाजपा के विधायक रहते उन्होंने हुकूमत के खिलाफ बगावत की थी, तो उस तौर पर उनको एक बागी नेता के तौर पे जाना जाता था। उसके बाद उन्होंने पिछड़ों की राजनीति का आगाज किया, तो पिछड़े वर्ग को वो अपने पक्ष में लाने में, लामबंद करने में सफल रहे। और तीसरी बात ये कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता टूटा हुआ था, बिखरा हुआ था, उसने अपने आप को उपेक्षित इसलिए महसूस किया कि उसकी हैसियत थाने और चौकी में कोई जायज़ काम की सिफारिश करने की भी नहीं रही। नाजायज़ की तो बात आप छोड़ दीजिए, भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक थे या जो ब्लॉक प्रमुख या इस तरीके के जो जनप्रतिनिधि थे, इनकी हैसियत एकदम ना के बराबर रही। तो ये जब किसी जनता का काम कराने जब सत्तारूढ़ दल होता है तो उसके नेताओं से अपेक्षाएं होती हैं, जनता की भी, कार्यकर्ता की भी, उन अपेक्षाओं पे ये कहीं पे खरा नहीं उतर पाए, तो उसकी वजह से लोगों में विरोध पनपता रहा और वो इस चुनाव में आक्रोश बन करके टूटा, तो वो लोग भी इनके खिलाफ हो गए। इनका आम कार्यकर्ता की तो बात छोड़ दीजिए, आम जनता से भी सीधा संवाद नहीं हुआ। इन्होंने आम जनता से दूरियां बनाकर इसलिए रखी कि पिछले दो चुनावों में ये मोदी मैजिक के सहारे जीतते रहे और इस बार तो इन्होंने सोचा था कि राम मंदिर एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दे के सहारे तो हम एकदम बैतरणी पार कर जाएंगे, जो शायद इस चुनाव में नहीं चला। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, संविधान बचाओ, अग्निवीर योजना, ये सारी योजनाएँ भारी पड़ गई। इन्होंने जो 400 पार का नारा दिया वो भी लोगों के मन में ये उतरा कि शायद ये इतना बड़ा बहुमत पाने के बाद संविधान बदल लेंगे, तो ये भी एक आक्रोश रहा। जनता की जो अपेक्षाएं सत्तारूढ़ दल के सांसद से होती हैं, उन अपेक्षाओं की कसौटी पर भी यहाँ के सांसद खड़े नहीं उतरे, जनता से उनकी दूरियाँ रहीं। उनके समर्थक लगातार इस बात का भी प्रचार करते रहे कि अब की वो जीतेंगे तो केंद्र सरकार में मंत्री बनेंगे, तो इसका भी एक नुकसान उनको उठाना पड़ा है कई वजहों से, क्योंकि वो चंद लोगों से घिरे रहे। जब जनता के वो आम सांसद रह करके वो जनता से नहीं जुड़ पाए तो शायद मंत्री बनके तो उनकी शक्ल देखना भी यहाँ के लोग नहीं हुए, ऐसा मैसेज आम रहा और शायद उसका खामियाजा बड़े तौर पर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को और भाजपा को उठाना पड़ा। एक सवाल और, संगठन के तौर पर भारतीय जनता पार्टी केवल सोशल मीडिया पर एक्टिव दिखी या धरातल पर भी कहीं आपको दिखाई दी, उसका भी खामियाजा रहा? देखिए, संगठन में भी कई फाड़ थे इस चुनाव में। संगठन और पूर्व संगठन या संगठन के पूर्व पदाधिकारी रहे, ये सारे लोग ऊपरी दिखावे के तौर पर तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचार प्रसार, रैलियों में फ़ोटो खिंचवाना, सेल्फी लेना, बयान जारी कर देना, ये भले रहा हो, लेकिन अंदर खाने बहुत बड़ी बगावत होती रही, भीतरघात जिसको हम कह सकते हैं, भीतरघात हुई और उसके कारण भारतीय जनता पार्टी को ये शर्मनाक पराजय हुई, क्योंकि संगठन के लोगों को सम्मान नहीं दिया गया। बहुत सारे लोग जो पदाधिकारी रहे हैं पिछले कार्यकाल में संगठन के, उनको इस बार महत्व नहीं दिया गया। संघ की एक बड़ी भूमिका रहती थी स्वयंसेवकों की, उनके पदाधिकारियों की, इस चुनाव में वो भी अलग थलग पड़े रहे, उन्होंने कोई रुचि नहीं दिखाई। वो लोग पर्ची बांटने से लेकर के वोट निकालने तक का काम करते थे, लेकिन इस बार वो भी शायद एसी कमरों से बाहर नहीं निकले, क्योंकि सत्ता जनित दोष भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में दिखा तो कार्यकर्ता उपेक्षित होता गया, आरएसएस के लोग भी उपेक्षित होते गए, उन्होंने लगा कि शायद मेरा कुछ करना ना के बराबर है। तो ये सारे बहुत कारण हैं जिन पर चिंतन करने की ज़रूरत पड़ेगी भारतीय जनता पार्टी को। बहुत कायदे से हमारे जो साथी थे उन्होंने इस बात को एक्सप्लेन किया कि आखिर कौन कौन सी वजह थी जिनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को आज इस स्थिति का सामना करना पड़ रहा है, और कुछ ऐसे कारण जिनको लेकर कांग्रेस आज इस मुकाम पर पहुंची है, उसने 35 साल का सूखा समाप्त किया है। दो बातें निकल कर सामने आईं, कुल मिलाकर अगर आपको जनता ने मौका दिया है
तो आप जनता से जुड़े रहिए। अगर जनता से आप जुड़े नहीं रहेंगे तो काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, ऐसा ही पुरखों ने कहा है, ऐसा ही बुजुर्गों ने किया है। इस बात की सीख जाने वालों को तो लेनी चाहिए ही, आने वालों को भी लेनी चाहिए, और आने वाले इस बात की सीख पर खरे उतरते रहेंगे, यही फिलहाल इस बातचीत का लब्बो लुआब है। अरविंद मोहन मिश्रा, यूपी तक के लिए।